हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे INS विक्रांत के बारे में। INS विक्रांत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया को INS विक्रांत को देश के लिए समर्पित किया है। ये वो INS विक्रांत है जो 1971 के वार में यूज हुआ था। उस टाइम इसमें वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं थी जो आज के ज़माने में अवेलेबल हैं, तो ये आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अवेलेबल है और इसको नाम दिया गया है बाहुबली 10। आज इसको वेरी शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि INS 10 में क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं कि जो हमारे अभी जैसे ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको देश के लिए समर्पित किया है, तो ये एक चर्चा का विषय है एवरीवेयर कि इंडिया के पास अब इतना बड़ा एक करियरशिप होगा जो बहुत बड़े अमाउंट ऑफ टन को डिस्प्लेस कर सकता है। करीब करीब 45,000 टन को ये लेके जा सकता है और 34-35 मिसाइल्स को लेके जा सकता है, जिसमें एंटी जो मिसाइल्स होती हैं उनको लेके जा सकता है, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं 1500 माइल्स को जो जिनकी मारक क्षमता होती है उनको भी कैरी कर सकता है। तो बात करेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस INS विक्रांत। सो अगर हम लोग INS विक्रांत के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि INS विक्रांत का पूर्ण रूप से स्वदेशी में हुआ है। इसका पूर्ण रूप यानी ये एक इंडियन मैन मेड है। INS विक्रांत 2.5 एकड़ के क्षेत्रफल के आसपास पे इसका क्षेत्रफल है। INS विक्रांत का जो एक क्षेत्रफल है वो 2.5 एकड़ के आसपास में है। एंड दूसरी बड़ी बात हम बताएंगे कि INS विक्रांत की जो लंबाई है वो 860 फीट की है और इसकी जो बीमा टू टू बीम जो है वो 203 फीट की है और गहराई 84 फीट और चौड़ाई 203 फीट के आसपास में है। INS विक्रांत पर एक समय में 30 से 35 विमानों की तैनाती करी जा सकती है। इसका डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन के आसपास में है। इसकी जो स्पीड होगी वो 52 किलोमीटर प्रति आवर होगी, 52 KMPH के आसपास में इनकी स्पीड होगी। एंड ब्राक मिसाइलों से लैस होगा INS विक्रांत। 1.10 लाख हॉर्स पावर्स की ताकत देने वाला जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स टर्बाइन इसमें होंगे। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की स्ट्राइक रेंज 1500 किलोमीटर होगी। सेलिंग से रेंज 1500 किलोमीटर है सेलिंग रेंज इसकी। और 76 mm की 4 ऑटो ब्रिज ड्यूल पर्पज कैनन लगाए गए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर 4 AK-630 पॉइंट डिफेंस सिस्टम गन लगाई गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर में 14 डेक्स का निर्माण किया गया है। 1700 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स की तैनाती इस INS विक्रांत यानी बाहुबली 10 पे करी जा सकती है। मैस होगा, जिम होगा और सारी सुविधाएं जो छोटी मोटी मरम्मत या वर्कशॉप टाइप की जो भी जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारे इस पे अवेलेबल होंगे। सो ये INS विक्रांत एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है फॉर इंडिया के लिए। अगर हम इसमें कुछ इसकी बात करें अदर फीचर्स की, अगर हम इसकी बात करें ये INS विक्रांत की मैन्युफैक्चरिंग क्या रही है, और INS विक्रांत की अगर हम लोग बात करें इस पे काम 1999 में शुरू हुआ था जिस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। देन मनमोहन सिंह आए, उन्होंने भी इस पे एफर्ट लगाया और नाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो वी कैन क्लियरली से दैट द ऑल द गवर्नमेंट्स कलेक्टिवली मेड एफर्ट टू मेक इट पॉसिबल फॉर इंडिया और फाइनली ये बन गया। करीब करीब इसको 23 साल लगे एज पर द, तो काफ़ी लंबा टाइम इसको लगा बनने में। अगर हम लोग दूसरी बात ये करें कि ये INS विक्रांत आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस है, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, काफ़ी मॉडर्न है ये। हम इसको एक तरह से इंडिया का टाइटैनिक जहाज भी बोल सकते हैं। इसकी स्पीड मैंने आपको बता दी 52 किलोमीटर पर आवर होगी, जो किसी भी शिप की काफ़ी स्पीड होती है इन सी के अंदर और पानी के अंदर। रेंज होगी वो 75 एनाटॉमिकल जो माइल्स होते हैं जिनमें हम लोग डिस्टेंस को मापते हैं, 7500 के आसपास में वो होगा। एंड सेकंड थी इसकी लागत 20,000 करोड़ से बनी हुई है। क्रू जो होगा वो 1700 इस पे मेंबर्स आ सकते हैं। वजन 45,000 टन को कैरी कर सकता है, 45,000 टन को लेके जा सकता है। इंजन 404 होंगे और कंपो अगर हम लोग बात करें कंपार्टमेंट की तो 2300 कंपार्टमेंट इसमें होंगे। तो ये INS विक्रांत तो काफ़ी बड़ा और ह्यूज INS विक्रांत है। अगर इसमें हम सिक्योरिटी की बात करें, इसमें क्या क्या सिक्योरिटी होंगी, MH-60R जैसे एडवांस लाइटर हेलीकॉप्टर्स होगा, MiG-29 के जैसे फाइटर रेंज होंगे, इंडियन एंटी मिसाइल्स होगी, AK-630 रोटरी कैनन होगा, N-32 मीडिया रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स इसमें अवेलेबल होगी।
सो दिस इज़ वेरी ह्यूज एंड बिकॉज इंडिया को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें. जैसे अभी हमने रिसेंट में देखा है कि चीन से हमारा विवाद रहता ही है और रूस और यूक्रेन के बाद से वैश्विक सतर पर तेजी से बदलाव से सियासती समीकरणों के बीच समंदर में भारत की ताकत को कई गुना इजाफा करने के लिए INS विक्रांत भारतीयों नौसेना में सबसे बड़ा अभी शामिल हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको आज देश के लिए सेप्टेम्बर में सितंबर 22 में इसको देश के समर्पित किया है. देसी तकनीक से निर्मित है INS विक्रांत, तो काफ़ी बड़ा है INS विक्रांत एंड इसकी जो सेलिंग रेंज क्षमता 15,000 किलोमीटर के आसपास में होगी. सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स. और इसको जो बनाया गया है ये कोचीन शिपयार्ड पे बनाया गया था केरला में. 25 एकड़ के आसपास का इसका क्षेत्रफल INS विक्रांत को होगा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो दिस इज़ द मेन फीचर्स ऑफ INS विक्रांत. जैसे मैंने आपको बताए थे कि ये सारे वो फीचर्स हैं जो इसको बहुत ही स्पेशल बनाते हैं हमारे लिए और हमारी नेवी के लिए. तो दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट टू ऑल इंडियंस. तो बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए और हम अपनी गवर्नमेंट का और साइंटिस्ट का सबका दिल से धन्यवाद करते हैं दैट दे डिड सच अमेजिंग जॉब फॉर टू मेक अवर नेवी स्ट्रॉन्गर एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प टू द इंडियन नेवी और टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इन फ्यूचर. सो इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारे लिए आज एक प्राउड कॉमन. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.